और वही क्या हाल है। अभी अभी सो के उठा हूँ। उठना तो खैर पहले था, पर थोड़ा और सो लिया। मैं कहा हमने कौन सा ट्रेन पकड़नी है। सुबह सुबह तो वैसे थोड़ा हल्का होने गया था, पर आ ही नहीं है क्योंकि सुबह सुबह है ना। तो अब उम्मीद करते हैं कि वहाँ एक्सरसाइज करते हुए ना आ जाए, क्योंकि अगर आ गई तो फिर घर लौटना पड़ेगा और मैं घर लौटना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले हफ्ते कुछ किया नहीं। पिछले हफ्ते इसलिए नहीं किया क्योंकि बैक में चोट थी। अब बैक ठीक है पर खुल के नहीं आई है, पर फिर भी हम करेंगे एक्सरसाइज। मेरा साइड वाला नारियल अच्छा नहीं फील कर रहा है आज। मौसम दिखने में ठंडा है पर है नहीं, सड़ी गर्मी लग रही है आज नारियल को भी और मुझे भी। भाई हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है तो मेरे को तो लग रहा है अब घर ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर बारिश फिर पटर 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 करके पड़ती है बड़ी तेज़, और बड़ा टाइम रुकना भी पड़ता है फिर यहाँ। और घर पे और काम भी हैं तो घर ही जाने में समझदारी है अभी तो। सैटरडे संडे होता तो रुक भी जाते, पर ट्यूसडे है तो जाना पड़ेगा घर। ऐसा हो रहा है कुछ वाइल्ड सा सीन एकदम बारिश वाला, तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले ही घर पहुँच जाऊँ। नहीं थोड़ा सा भीग भी जाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा, पसीना तो अभी पड़ा नहीं है, पर रुक नहीं सकते हैं, नहीं तो कहानी ख़त्म है अपनी। तो फिर पहुंच देनी हम घर। ये देखो भाई क्लियर व्यू बादलों का। अब जैसे कलर असल में है, वैसा फ़ोन पिक तो नहीं कर रहा, पर फिर भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि वाइल्ड होने वाला है यहाँ सीन। मस्त है यार, बड़ा ही मस्त है। पीछे बादल ज़्यादा हैं फ्रंट के कंपैरिजन में, मतलब जो मैंने रियर कैमरे से रिकॉर्ड करा है वो तो क्लियर है, पीछे काफ़ी ज़्यादा बादल हैं। बरसेंगे तगड़े तरीके से तो बरस जाए यार, गर्मी अच्छी हो रही है। थोड़ी साइकिल चलाने से वैसे पेट पर लोड तो पड़ा है, तो अब खुल के आने की उम्मीद है, जो कि पहले नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत सुबह थी, जो कि अभी भी है। पर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली है हमने, पेट पर जोर दे लिया है साइकिल के पैडल थोड़े से तेज मार के, तो अब उम्मीद करते हैं फटफट फटफट करके आ जाए। Few moments later. भाई अब तो बड़ी जोर की आ रही है, पापा गए हुए हैं, साली सीट रखी हुई है अभी, और मैं बैठना चाहता नहीं क्योंकि बैठ के ना रोकने का थ्रिल रुक जाता है, मतलब ना थ्रिल इन द सेंस कि पता है बड़ी जोर की आ रही है और एकदम फाड़ देंगे टॉयलेट में फटफट फटफट करके, और वो वाली फील ना बड़ी सेटिस्फाइंग होती है, मतलब बड़ा ही मज़ा आता है। शायद इस बात की कोई सेंस नहीं है पर मेरे लिए है। पर अगर तुम दिन में 3 बार हकते हो इंस्टॉलमेंट्स में तो तुम्हें इस बात की फील जरूर आएगी, सोच कर देखना एक बार। मच 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 लेटर। Few moments later. कपड़े भी धो दिए मैंने आज, घर वाले की तबीयत खराब थी तो कहते कपड़े धो दे, मैं कहा चलो धो देते हैं, धो दिए सारे के सारे, बस अब साबुन निकल गया वो अच्छे से, नहीं तो फिर रगड़ा लगाना पड़ेगा इन्हें। सुबह के नाश्ते वाले बर्तन नहीं धोए अभी तक, धो रहे हैं। एकदम पटर पटर करके तो नहीं आई पर फिर भी ठीक है, ठंडक हो गई है, बारिश आ गई है, मज़ा आ रहा है अब मौसम का। सही है भाई सही है। More moments later. तो भाई 3-4 घंटे हो गए रुक ही नहीं रही, लगा आज कट्ठी का सर काट देगी सारी ये। मस्त बारिश हुई भाई एकदम आज, पूरी सड़क भिगा दी है, काफ़ी देर तक लगी रही 7-8 घंटे धीरे 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 धीरे। अब कल का दिन तो शायद बड़ा ख़तरनाक होगा मेरे हिसाब से, गर्मी वाला शायद, काफ़ी बड़ी देर तक होती रही बारिश आज, बेशक थोड़ी थी पर मतलब धीरे धीरे करके आ रही थी, पर
काफी देर तक थी। देखो क्या होता है कल। बस कुकर ही धोने को रह गया था, बाकी सब तो धो दिया गया है, मतलब मैंने धोया, मेरे लिए सिर्फ यही था। आज तो इन्हें भी रज के पानी मिल गया होगा। रोज तो मैं ही अपने चावल जो धोऊं जिसमें जिस बर्तन में वही वाला पानी पा देता हूँ, पर आज तो लोड ही नहीं पड़ी यार। ऐसा लग रहा है कि अब तो भगवान नीचे उतर रहा है बादलों से, एकदम मस्त आ रहा व्यू, जबरदस्त भाई जबरदस्त। चलो यार बस ख़त्म करते हैं आज के लिए, क्योंकि कहीं जाना भी नहीं है बाहर, ना ही कुछ करने को। क्या वीडियो एंड कर रहा था? ना उससे नहीं पड़ता फर्क, तो ना कहीं जाना है ना कुछ करना है अभी, तो इस वाली वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, पर फिर भी मैं बनाता रहूँगा, इसलिए चलो कल मिलते हैं। टाटा।